क्या हुआ पिजनी? गाइस इसके काम देखे, दुपट्टा पहन के अभी करो अल्लाह अकबर। तो अभी हम लोग गए थे और वापसी भी आ गए। और कैसे वो नहीं होता जो बनाते हैं वो ही है। मील बोल ले के मुझे जाने मम्मा पति तैयार के बगैर क्या करवा लिया। तो गाइस आज मैं मील को भी मदद से साथ में लेकर जाऊंगा। चलो तो गैस अभी मैं जा रहा हूँ इनको स्कूल छोड़ने के लिए और हम वगैरह मेरे शूज़ वगैरह निकाल रहे हैं। उल्टे रखे हमजा, ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। चलो अच्छा ठीक है, हाँ आप मम्मा को पहनाओ। चलो आ जाओ, छोड़ दो आ जाओ। तो अभी हमजा लोगों को तो मैं छोड़ के आ गया था, अभी बारी है हमारे पौधों को पानी देने की। तो वैसे तो इनको पानी की मेरे ज़रूरत नहीं होती, क्या होती है भाई, क्यों नहीं डेली देने पड़ता है। तो इनको सबको अभी मैं पानी दे लूँ। गाइस इसके काम देखे, दुपट्टा पहन के अभी करो अल्लाह अकबर। कैसे करते हो जी? हाँ करो अल्लाह अकबर करो। हाँ सही है, बस ठीक है। उठो बैठो, वैसे वीर दुआ भी तो मांगो, अभी उठ नहीं पा रहा। अल्लाह अभी दुआ करो, चलो सबके लिए दुआ करो। एप्पल सेब हाथ ही निकले के तो आमीन करेगा। इधर से। तो अभी जो ना हम लोग अपने रूम से ना ये वाला जो पर्दा है इसको निकाल के अबू के रूम में लगा रहे हैं, क्योंकि अबू के रूम में पर्दा है नहीं और गर्मी एकदम से आ गई है। तो इधर जो ना दूसरा वाला कोई और लगाएंगे। तो गए थे अभी जो ना वहाँ से जो ना हमने लगा दिया, शिफ्ट कर दिया इधर। तो बस अभी लग गया इधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छा जितने भी लोग कैंडल मिले इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस इसको आप याद, ये गाँव गाँव में कोई किसी को ये आपको पता ना कितना गंदा काटता है, ये गंदा वाला है, बहुत गंदा वाला है जो ना वो इसको क्या बोलते हैं, येलो वाली जो मक्खी होती है ना, कहाँ गई ये वाली बड़ी जालिम मक्खी है भाई। बचपन में हमने इसे बहुत बार जो ना कटवाया, आँखें जो ना फूल जाती। तो अभी इनकी छुट्टी भी अभी अभी हो रही है, बस ये भी अभी अभी निकल रहा था। चलो हमजा आ जाओ। बस तो ये पिजन के पास में है, पिजन को लेने आया था। पिजन पता है मुझे क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या करना, इधर देखो फिर लास्ट है कि 6-7 बिस्किट लिया। क्यों? वो फिर हमें अगर मम्मा आपको को या मुझे मेरे को किसी को खाना होगा भूख है, बोलते किसी को भी भूख लगे तो हम रोज के 6-7 बिस्किट लेके रखा कर हम लोग खा लिया करेंगे। सही है भाई, सही है, बड़े होशियार हो। क्या हुआ पिजनी? जैसे ही आया ना भैया, सॉरी सॉरी, बस अभी जैसे ही इसके आधे घंटे बाद का फिर से जो ना ट्यूशन शुरू हो गई है, इसीलिए रो रहा है। चल जल्दी कर, जल्दी कर, चलो लगा इसको लोशन, लगा मैं इसको छोड़ के आऊँ, जल्दी करो, उसके बाद छुट्टी छुट्टी, चलो क्यों नहीं चलते, फिर घूमने चले, फिर घूम घूम कर चलेंगे। चलो चलो जल्दी कर, लगा इसको, लगा इसको, जल्दी कर, लगा 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 इसको, थोड़े दांत तो भी लगा, दांत भी काले हो रहे हैं। चलो जल्दी करो, लगाओ 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 लगाओ, भिजनी जल्दी कर, चल चल मीर आ जाओ आ जाओ। हाँ मीर, ये स्कूटी यहाँ पर क्यों खड़ी है, कोई लेके चला जाए फिर। अच्छा आ जाओ, आ जा मेरी भिजनी, आ जा आ जा आ जा, आई लव यू। अच्छा चुप, बस ड्रामा नहीं करो, वो देखो वो देखो देख, देख, गाइस हाँ ऐसे मीर आप ऐसे चलाया करो। ओह बस शूज नीचे गिर गया। तो गाइस वो देखे अभी मैं ट्यूशन जा रहा था, मीर को देखो मीरा भी हो गया था। मीर चलो अभी हम जा रहे हैं, अभी देख लो। मीर आ जाओ, पकड़ के दिखाओ मैं। अच्छा आ जाओ आ जाओ, उसको छोड़ो फिर इधर आओ। कौन सा घर है, यही है ना।
चले जी। तो अभी जना अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सैलरी आ चुकी है, तो सैलरी जैसे आई मैं अभी जा रहा हूँ बिजली का बिल भरने के लिए, बिल नहीं भरा था मैंने, और बिल भरते हैं और जना घर के जितने काम हैं फिर अभी इंशाल्लाह सारे शुरू करते हैं। आज गाड़ी को भी दे के आ जाएंगे बनने के लिए, और जना सारे काम रुके हुए थे, यकीन मैंने बहुत मुश्किल महीना गुजरा ये वाला, क्योंकि शिफ्टिंग किया ना तो बहुत फंसा हुआ था मैं इस महीने में। चलिए तो अभी मार्केट आया था, सबसे पहले मैंने इसका पेट फुल किया क्योंकि इसको भी भूख लगी थी, इसकी टंकी खाली हुई थी, सबसे पहले पहले इसकी टंकी फुल करा दिए, फिर बिल भरा है यहाँ से ऑनलाइन भर दिए ड्यू डेट के साथ, 1-1.5 हज़ार रुपये ज़्यादा भरना पड़ गया। चलो उसकी तो खैर है, खैर बिल वगैरह हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, रात में गाड़ी भी भेजते हैं, सारे काम एकदम से अभी टी पाँ करते हैं, जितने काम करने वाले ना सारे एकदम से कर लेते हैं, और जिन जिन को पैसे देने वो भी घर चल के भेज देते हैं, ताकि वो कल को उनसे मांगे ना फिर भी दे दें हमें टाइम पर। और गए अभी घर पे हूँ तो मूसा को देखे, मूसा कैसे खेल रहे, मोहम्मद मूसा, अरे क्या हुआ मूसा को, मोहम्मद मूसा ये भी व्लॉग बना रहा है उसका। मीरा आपको बात है व्लॉग बनाना आता है, ये भैया कैसे काम चेक करो, ये भैया बेबी है, हाँ सही है भाई, सही है सही है, चलो हम लोग जा रहे हैं हमजा को ट्यूशन से लेने, एक तो जाओ ले आओ स्कूल जाओ ट्यूशन जाओ इधर उधर, जैसे ये जाता लगे मुझे लगता है मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ उसके साथ साथ जी, इधर ले दो। तो भी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी में से जितना भी सामान है सारा निकाल लेते हैं, क्योंकि आज रात को ये चली जाएंगे ना बनने के लिए, फिर हम इसके ऊपर घूमेंगे फिरेंगे, खड़ी हो के थक गई है मेरी गाड़ी भी, तो अभी इसके अंदर जितना भी सामान है ना वो डिग्गी में इधर उधर सारा निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कितने दिनों के बाद चाबी उठा के इसको खोल रहा हूँ, गाड़ी देखो गाड़ी का इंजन ना खुल के इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो पुराना वाला था वैसे था नया जैसा, वह मीर बंद नहीं कर दिया ना, वो बंद हो जाए फिर खुले ना, नहीं करो आ जाओ, तो इंजन वगैरह सब कुछ खुल के अंदर पड़ा हुआ था, ये दे देंगे ना उनको बनने के लिए, तो फिर ये सही हो जाएगा, उन्होंने खोल के गत्ते वत्ते रख के देखो बिल्कुल साफ तरीके से रख दिया था इसके ऊपर। तो खैर अभी जना बस सामान वामान जो हल्का फुल्का निकाल लिया हमने, और गैस अभी जो ना मूसा का झूला भी बन गया, क्योंकि ये डंडा जो ना कार में पड़ा था और हमने ना इसको नहीं बैठना मीरू टूट जाएगा नहीं नहीं फट जाएगा नहीं, मूसा का है ये, मूसा का मीर आपको ले देंगे या ये फट जाएगा मीर, नहीं वजन नहीं बर्दाश्त कर ये फट जाएगा अभी, अच्छा बस ये हिलता भी नहीं है मीर आपके हिसाब से, अल्लाह पहले इसको मोटर वगैरह भी लगी हुई थी ये है ना, अल्लाह चल मीर उतर उतरो अभी, बेबी को सुला के, बेबी को सुला के देखते कैसा लगता है, अस्तगफर अल्लाह अस्तगफर, ये बेबी है भैया देखो करो अल्लाह करो बेबी हो आप, बोले मैं बेबी हूँ भाई, सही है अभी मर्जी आपकी, इसको नींद से उठना अभी तक चुप करके देख रहे हैं, क्या हुआ आपके झूले में सो रहा है, वही यार मीर उठ जा चल, अभी भैया उठ गया चलो उसको सोने दो थोड़ी देर, सोने दो यार अपने आप को खुद अल्लाह, चलो सही है करते रहो। तो गैस पिजन भी आ गया था, और अभी जो ना हम लोग जा रहे हैं, सारे लोगों ने एक जगह पर लोकेशन भेजा वहाँ पे, तो अभी चल के उनसे मिलते हैं और जो ना फिर क्या सीन है भाई देखते हैं, और मूसा और अबू घर पे रहेंगे क्योंकि बाइक पर ही हम लोग जा रहे हैं, आज इंशाल्लाह हम लोग गाड़ी भरने के लिए भी दे देंगे इंशाल्लाह। और गैस ये देखो मीर कैसे तैयार हो गया, ओए होए होए चाइनीज़ बिल्ली लग रही है, और ये देखो एक दिन ना जब हम डॉलमेन मॉल गए थे ना, वहाँ पर एक लड़की ने भी ऐसा पहना हुआ था और इसने भी ऐसा, उसने इसको पकड़ा बोले चश्मा दिखाओ, इसका था 250-350 रुपये वाला था और उसका शायद बहुत महंगा वाला था, उसको सोच पड़ गई कि इसके पास वही ओरिजिनल वाला है, वो इसीलिए बार बार इसका चश्मा देखे बोले एक ही जैसा है, पता है उसने भी 250 वाला पहना हुआ, ऐसे नखरे दिखा रहे हैं हाँ, लेकिन मीर ये कुछ ज़्यादा ही एक्शन मारे, उल्टा पहना हुआ है रुको। तो अभी हम लोग गए थे और वापसी भी आ गए, और मीर की हालत देखिए अभी तो ये देखिए, देखो देख रहे हो पूरा सर ये भर के आ गया, उधर मट्टी थी हम लोग खाना खाते पूरा उसमें से मट्टी में से निकला है, और ये देखो पूरी रेत 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 से निकला ऐसे, उस टाइम तो बहुत था, अभी हवा में बैठ बैठ के ना मट्टी उड़ गई इसकी। गैस घर पे है ना तो मूसा ना फुल गुस्से में, देखो बात भी नहीं कर रहा, क्या हुआ मूसा क्या हुआ गुस्से में हो,
देखो भाई फुल गुस्से में आज, आज बिल्कुल ही बात नहीं। देखो मूसा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं भाई आज फुल गुस्से में है मूसा, गुस्से में आज सोली। नहीं भाई आज बात नहीं करेगा हमसे, आज फुल मूसा जिन नाराज़ हो गया हमसे। तो गैस वहाँ से मैं आ गया था अब्बू को लेकर फूड स्ट्रीट, तो आज हमने सोचा कि आज हम करते हैं पार्टी। और मैंने जो ना मंगा शोरमा से ना शोरमा का ऑर्डर दिया हुआ, 10 मिनट का वेटिंग एरिया, वेटिंग टाइम दिया 10 मिनट के लिए, अभी वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी शोरमा हमारा मिल चुका है, बाकी रह गया जिंगर बर्गर, वो भी ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर। अब्बा सिगरेट पी रहे थे फिर उसने छुपा दी कि अभी इसको पता ना चले। तो अभी घर पर जैसे आए तो भाई आगे तोहफा मिला है कि भैया आपकी जो ना केन भी खा ली है पानी वाली, तो अभी ये तोहफा कबूल करते हैं और जाके पानी भर के आते हैं। चलो चलते हैं भाई, आज का व्लॉग हम यहीं पेंट करते हैं। और गाड़ी अभी तक यहीं पर खड़ी है क्योंकि जिससे हमने बनवाना था उन्होंने वो आज थे नहीं, तो गाड़ी इंशाल्लाह सुबह जाएगी और सुबह हमने बहुत सारे काम भी करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरी सैलरी आ गई, सैलरी से मतलब ये वैसे तो हमेशा आ जाती लेकिन इस बार जो ना फंस गए थे वो इसलिए जब मैंने शिफ्टिंग की ना तो एक तो वहाँ पर पैसे बहुत लगाए और जो ना मैंने इस महीने का ना कि जो ना पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ना मतलब पूरा अपने दिमाग से काम नहीं लिया कि भाई कितने लगेंगे, खर्च होंगे, क्या होंगे, तो उस हिसाब से ना मैंने सेटिंग नहीं की हुई थी। तो इस बार जो ना मैं उधारों पे चल रहा था, तो खैर अब्बास के भी थे, अभी मैंने क्या किया जैसे ही सैलरी आई ना तो सबसे पहले मैंने किसी को मतलब उनसे जो ना खुद ही मैंने क्या किया अकाउंट नंबर भेज दो। अब्बास का भी 1 लाख था, खैर उसको तो मैंने अभी फ़िलहाल 60 दिए, साजिद भाई से 40 लिए थे उनको दिए और जो ना 50 एक और जगह पर दिए, तो मतलब इतने सारे खर्चे हुए थे ये शिफ्टिंग की वजह से। शिफ्टिंग जो ना भाई बहुत मुश्किल है, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई शिफ्टिंग जो ना हम भी करना चाहते हैं ये, तो भाई शिफ्टिंग जब आप करोगे तो आप सोच लेना कि बहुत बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको शिफ्टिंग। मेरा तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से यूट्यूब से जो ना चलता रहता है लेकिन जो ना आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल होती है अगर दूसरी सिटी से सिटीज जाना होता है। तो खैर आज खुशी हुई कि आई है और जो ना ये भी है कि दे के अभी सोच रहा हूँ कि कितने कितने, अभी कल जो ना मैं जाऊँगा इसको बनाने तो इसके ऊपर 1,60,000 का खर्चे, 10,000 रुपये वो गाड़ी वाले मांग रहे जो उसको उठा के लेके जाएंगे, तो देखो कितने खर्चे होते हैं। तो बस ये है कि चलो जिससे बंदा लेना, फिर ये है कि उनको ये वो बंदा ये ना बोले कि भाई मुझे जो ना आप दो और आप उसको पहले दे दो, तो ये चीज़ रखनी चाहिए कि ताकि हम कल को किसी से मांगे तो वो हमें फिर से दे दे, तो ये होता है। तो खैर जिनसे भी लेते सारे थे तो रिश्तेदार अपने जानने पहचाने वाले, तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबको दे दी तो टेंशन ख़त्म हो गई है। और जो ना इस महीने जो ना अभी मैं पूरी अपनी कैलकुलेशन करूँगा सबसे पहले, और तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये उठा के ना साइड पे अलमारी में डाल दूँगा कि भाई उनको हाथ नहीं लगाना, और उसके अलावा मैं कैलकुलेशन करूँगा। ओए 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 क्या बुलाए भाई, क्या बुलाए, क्या बुलाए भाई, क्या बुलाए। एक तो ये पानी उस तरफ देख के क्यों भोंक रहे हैं, इधर ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है फिर भी भोंके जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं ये लोग, लोग तो नहीं खैर ये डॉग इधर ही देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ है गैस, कुछ भी नहीं है लेकिन जो ना कब से भोंके जा रहे हैं भोंके जा रहे हैं, उधर ही देख के भोंक रहे हैं। शायद इनको कुछ दिखता होगा डॉग वगैरह को, हमने सुना था कि अभी जिन कुत्तों वगैरह को ना बहुत कुछ दिखता, तो शायद ये इस वजह से ना उधर देख के कब से भोंके जा रहे हैं कर नहीं रहे। तो ये मतलब ये है कि भैया अभी साइड पे रख देंगे और उस हिसाब से ना राशन वगैरह सब कुछ क्लियर करके ना फिर जो ना जो सामान लेना होगा ना घर का फिर अभी वो लेंगे। इस बार हमने वो गलती नहीं करनी कि भाई मतलब किसी से मांगने मांगते फिरते फिरे फिर बाद में, तो खैर कभी कभी आपके साथ हो जाता है जितना भी आप समझदार दिखाओ। मैंने असल में ना ये जो सिर्फ सोफ़ा लेना था उसके अलावा काफ़ी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी, मैंने बोला हो जाएगा भाई मतलब सर्किट चल जाएगा लेकिन नहीं चला क्योंकि बीच में एडमिशन भी सब कुछ आ गए। तो खैर अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई मतलब इतना हुआ कि बहुत अच्छा हुआ है, तो मतलब मैं अपने सारे कर्जे वर्जे उतार के फिर भी फ्री हूँ, अपनी गाड़ी भी बना लूँगा, सब कुछ कर लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर आप में से कितने लोग हैं जो सैलरी आने पे भी खुश होते हैं, मैंने पता नहीं कहा सिर्फ ये रीज़न था, मैंने बोला सुबह कमेंट पढ़ूंगा कि भाई कितने लोग हैं जो सैलरी आने पे भी खुश होते हैं और बाद में ये भी सोच रहे होते हैं कि यार देने भी हैं, वहाँ भी देने वहाँ भी देने और मुझे क्या बचेगा। तो खैर जो भी है ये तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है, तो बस जो ना काफ़ी कुछ अच्छे लोग भी बनाए हुए हैं अपने जान पहचान, एक दो दोस्त बनाए हुए हैं बस, तो उनका जो ना बहुत फ़ायदा हो जाता है कि कभी कभार जब मैं फंसता हूँ तो उनकी हेल्प करता हूँ और जब उनको ज़रूरत है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, तो बस ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और बस कहते इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, कल जो है ना इंशाल्लाह हम अपनी गाड़ी भी देंगे, नहीं बनाने देंगे वीडियो, नहीं बनाने देंगे मुझे वीडियो, और
जो सामान है ना वो भी हम लेने चलेंगे, मतलब नीचे के लिए कारपेट वगैरह सारा कुछ पूरा करते हैं सर्दियों के आने से पत्ता के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ये लोग, ये कुत्ता लोग जो ना चुप नहीं कर रहे, और ये करेंगे भी नहीं, जैसे मैं वीडियो एंड कर दूंगा ना फिर एंड करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी मैं बाहर ही बैठता कि ये देखो मेरी वाइफ कुंडी मार के, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुमने कुंडी लगाई, बोलते मैंने तो नहीं लगाई, मैंने तो नहीं लगाई, वो उंगली टूट गई, तो बोलते मैंने लगाई, शायद वहाँ से कोई भूतू आया होगा, मैं भी भागता हूँ, इसीलिए ढोक भोंक रहे थे। भागो भाई अंदर भागो।